हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू IFS. आई होप यू ऑल डूइंग फाइन. आज अपन लेके आए हैं HP सेट और AP सेट के लिए बिगिनर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उसको कवर करना चाहिए, किस तरह की आप स्ट्रेटजी अपना के, किस तरह का शेड्यूल अपना के आप अपनी इम्प्रूवमेंट जो है वो लगा सकते हैं एग्जाम में, अपने आप को शार्प कर सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले है, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके सिलेबस को आप अच्छी तरह से जान लीजिए. नो द सिलेबस, कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन से एरियाज है जिसको आप कवर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन फिजिकल साइंस की बात करें तो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्वांटम है, मैथमेटिकल है, थर्मो है, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, कंडेंस मैटर फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट? यू हैव 9 सब्जेक्ट्स. तो उन 9 सब्जेक्ट्स में से आपके पास में कौन सा बढ़िया टॉपिक है, आपके पास में कौन सा बढ़िया सब्जेक्ट है, उसकी प्रिपरेशन को पहले आप एक्सेलरेट करो, उसको आप टॉपिक को पकड़ो और उसको परफेक्ट करो. और उसके बाद में आप क्या करोगे कि बच्चे जो आपका वीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो उस पर अटैक करो. आपको सारा का सारा सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? आपको वही कवर करना है जो आपके लिए बेस्ट है. अगर आप 5 या 6 सब्जेक्ट पे भी अटैक करके चलते हो, देन इट्स ऑल फाइन. अगर आप अटैक नहीं कर पाते हो, अगर आप सबको मतलब एक साथ अटैक करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, है ना? होता है ना कभी कभी यार, कि अगर अपने पास 5 चीज़ें हैं और अपन सिर्फ 3 पे फोकस करें और उनको अच्छा कर लें, तो हो सकता है हमारा एग्जाम निकल जाए. लेकिन 5 की 5 पे फोकस करोगे, 9 के 9 सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, हो सकता है कि आपका एग्जाम अटक जाए. तो सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को जानो, और उस सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप अच्छी तरह से कवर कर सकते हो, मतलब आप डिटेल में उनको पढ़ सकते हो, ना सिर्फ बार बार से उनके एग्जाम्पल्स, किस किस तरह की एप्लीकेशन वहाँ पर हो सकती है, उसको मतलब आप 360 डिग्री कवर कर सकते हो. देन आप बोल सकते हो कि उन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हो, उन टॉपिक्स में आप अच्छे हो. और उन टॉपिक्स को आप सबसे पहले क्या करो, कवर करो, उनको आप प्रिपेयर करके रखो, ताकि आप अगर कहीं अटकते हो तो सबसे पहले उन्हीं पर अटैक करो, ठीक है? जिसमें आप बेस्ट हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस चीज़ को परफेक्ट करो, और उसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है. लेकिन इसमें यह है, अगर आपके पास में 9 सब्जेक्ट है भाई, 9 टॉपिक्स हैं, तो आपको मिनिमम 5 से 6 तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, राइट? कम से कम आपको इतने लेकर चलने पड़ेंगे, 6 सब्जेक्ट कम से कम आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे. कोई भी 6 बेस्ट आप चूज कर सकते हो. रेस्ट ऑफ की ऐसी नहीं है कि आपको प्रिपेयर ही नहीं करना है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स को आपको प्रिपेयर करना है, लेकिन उनके लिए आप थोड़ी कम तैयारी करके जा सकते हो, राइट? उनको थोड़ा लूज छोड़ सकते हो. लेकिन जो 6 सब्जेक्ट है जिसके आप तैयारी करके जा रहे हो, उनको परफेक्ट करके जाओ, उनको एकदम टाइटली प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है? और क्या कह सकते हैं, जब आप एग्जाम में जाते हो, जब आप अभी स्टडी कर रहे हो, स्टडी के लिए आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको अपनी स्टडी का एक शेड्यूल बनाना है. ये शेड्यूल कैसे बनेगा? शेड्यूल इस तरह से बनेगा, सपोज करो कि आपके पास में रिमेनिंग टाइम बहुत कम है अभी फिलहाल के लिए. आप क्या करो कि एक शेड्यूल बना लो कि मेरे को इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, इतने सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, और उनका एक एक स्लैब बना लो कि मेरे को 3 दिन में ये सब्जेक्ट कवर करना है, इसकी टेस्ट सीरीज कवर करनी है, इसके फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, इनकी एक लिस्ट बनानी है, और उसका फिर लास्ट दिन से 3-4 दिन पहले उनका सबका एक साथ रिविजन करना है. तो सबसे पहले आप क्या करो, एक शेड्यूल बना लो. उस शेड्यूल में आप ये फिक्स कर लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने दिन क्या क्या पढ़ना है, कौन सी टेस्ट सीरीज कब आपको करनी है, और साथ ही साथ में आप जो सब्जेक्ट कवर कर रहे हो उसकी फॉर्मूला लिस्ट बनाना मत भूलना, इंपॉर्टेंट है भाई. फॉर्मूला लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला लिस्ट क्या होता है, कभी कभी आप भूल जाते हो. जो भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो उन 2-3 दिनों के शेड्यूल में, आप उसकी फॉर्मूला लिस्ट जरूर बनाओ, और साथ ही साथ हर एक टॉपिक के, हर एक जो सब्जेक्ट के जो टॉपिक है छोटे छोटे, उनके टेस्ट देते रहो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इसी से आपकी सेट क्लियर होगी, ठीक है? अब चलो बात करते हैं आगे. देखो, सब्जेक्ट पे तो अपन फोकस करते ही करते हैं. सब्जेक्ट के बारे में मैंने बोला कि आपको सब्जेक्ट को क्या है थोरली देखना है, 5 से सब्जेक्ट को तो एकदम टाइटली प्रिपेयर करके जाना ही जाना है. लेकिन जब आप एक चीज भूल जाते हो कि आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं बोथ AP एंड HP सेट, आपके 50 क्वेश्चंस जो हैं वो एप्टीट्यूड कवर करता है, और ऑलमोस्ट 100 नंबर्स के जो क्वेश्चंस है वो एप्टीट्यूड क्लियर करता है. और हो सकता है कि जब कंपटीशन की बात आए,
क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग क्या हैं अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो एटीट्यूड होता है ना वो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो ये क्रिएट करता है कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग अच्छे हैं लेकिन एप्टीट्यूड आप में आपको आगे बढ़ाता है। एप्टीट्यूड हो सकता है आपको 2-3 नंबर से आगे बढ़ा दे, कट ऑफ क्लियर करने में आपको क्या कर दे, हेल्प कर दे। और होता यही है मोस्ट ऑफ्टन केसेस में यही होता है बच्चों कि जो एप्टीट्यूड है वो आपको पीछे धकेल देता है। तो एप्टीट्यूड को फोकस में रखना है हर एक दिन, आपको कभी ना कभी कैसे न कैसे करके उसको टाइम देना है। अभी फॉर इंस्टेंस मान लो कि अभी से आप टाइम देना शुरू कर रहे हो तो आपको लगभग लगभग सारे टॉपिक ही कवर करने, आपके लिए हार्ड नहीं होगा। तो आप एक काम करो कि धीरे धीरे, जैसे अगर आज दिन में आप 1 घंटा दे पा रहे हो, 1-1.5 घंटा दे पा रहे हो, उसको शेड्यूल बना लो कि एवरी डे मुझे कुछ ना कुछ टाइम जो है वो एप्टीट्यूड को देना ही देना है। और एप्टीट्यूड के वीडियोज जो है आप हमारे IFS वेबसाइट पे, IFS के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो ये दोज वीडियोज आर रियली हेल्पफुल, वो आपका सारा एप्टीट्यूड कवर करते हैं। एप्टीट्यूड के चैनल पे जाइए IFS एप्टीट्यूड करके, आपको वहां पर एप्टीट्यूड के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। चलिए भाई आगे देखते हैं। जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, ठीक है, प्रिपरेशन में आपके पास में कुछ टॉपिक्स हैं, आपके पास में एक शेड्यूल है, और शेड्यूल के बाद में आपने तैयारी कर रहे हो, हर एक टॉपिक को थोड़े दिन दे रहे हो, 2-3 दिन दे रहे हो, और उसमें टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपका टेस्ट सीरीज जो है वो मस्ट होना चाहिए बच्चों। विदाउट टेस्ट सीरीज कुछ भी नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज जो मस्ट होनी चाहिए वो है रिविजन। विदाउट रिविजन बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। टेस्ट सीरीज रिविजन ये आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक। अगर ये आप करोगे, अपने टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करोगे, देन मोस्ट प्रोबेबली आप सेट में सेलेक्टेड कैंडिडेट हो चुके हो, ठीक है। एप्टीट्यूड प्लस सब्जेक्ट, जिसमें भी 5-6 सब्जेक्ट तो आपको स्ट्रॉन्गली प्रिपेयर करने ही करने हैं, इनकी टेस्ट सीरीज रिविजन, इनके फॉर्मूला शीट, अगर आप इतनी प्रिपरेशन कर लेते हो बच्चों, ये जो टॉप 5 है, अगर आप इसके फॉर्मूले पे चलते हो, देन योर सिलेक्शन इज अ मस्ट। आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर मैं HP सेट की बात करूं, ठीक है, सपोज करो कि मैं HP सेट की बात करता हूं, तो HP सेट में बच्चों आपको टारगेट क्या करना है, आपको कम से कम आपको 55% टारगेट करना है। मैं जनरल के लिए बोल रहा हूं, और अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो बच्चों आपको OBC कैटेगरी में कम से कम आपको टारगेट करना है 50% का, ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। मतलब ये हो गया 150 नंबर के और ये हो गए 165 के, आपको टारगेट इसी में रखना है। मैं अगर कोई SC ST है उनको भी 50% टारगेट तो रखना ही रखना है। OBC SC ST जो भी है इस कैटेगरी में आपको 50% टारगेट लेकर चलना है। अगर मैं बात करूं जनरल की, तो आपका टारगेट होना चाहिए 55%। अगर ये आप कर पाते हो देन आप निष्फिक्र हो जाओ, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और बात करें अगर AP सेट की, तो AP सेट में आप ध्यान रखिए आपका टारगेट अराउंड 60% होना चाहिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, अगर बात करें OBC की तो 55% वो एक तरह का सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। AP सेट, आंध्र प्रदेश सेट के जो बच्चे हैं वो 60% जनरल से एम करिए और 55% आप इससे एम करिए, OBC से एम करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास में एक सेफ स्कोर होगा। तो टारगेट आप सेफ लेके चलिए ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो करंटली IFS पे बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है। ओनली ऑन 99 रुपीज आपको HP सेट और AP सेट की जो टेस्ट सीरीज है वो प्रोवाइड हो जाएगी। बच्चों एक्सक्लूसिव है लाइफ साइंस के लिए, फिजिकल साइंस के लिए, केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस के लिए। इफ़ यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स, देन यू कैन गो टू IFS वेबसाइट, कॉन्टेक्ट टू IFS, यू कैन बाय द टेस्ट सीरीज, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। दीज आर अवर टॉपर्स एंड यू कैन बी हियर इफ यू प्रिपेयर वेल, राइट? ओके, I hope you are preparing well. And if you will prepare well, you most probably will get selected. Thank you very much. Happy learning.